दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं किस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में विंडो 98 को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ध्यान दीजिए, पहला तो आपको माउस होना चाहिए आपके पास, कोई भी एक माउस को OTG केबल के माध्यम से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट कर लीजिएगा। अब इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस विंडो का थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूंगा। अगर दोस्तों को बताना चाहूँगा, अगर आपने 98 विंडो को इस्तेमाल करा है तो ध्यान दीजिए, अपन स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम फाइल में, और यहाँ पर आते हैं एसेसरीज में, और यहाँ पर आते हैं गेम में। तो आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे वो की वही गेम है। इस पर अपन क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरा कार्ड वाला गेम है। देखिए ये देखिए, तो इसको अपन खेलते थे, काफ़ी अच्छा गेम था ये वाला। ठीक है, अगर बात करते हैं अब दूसरे फंक्शन के बारे में, पहले आपको थोड़ा इसका रिव्यू करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर माई कंप्यूटर खोलते हैं, तो माई कंप्यूटर खोलने में इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। तो ये हमारी सी ड्राइव दी हुई है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल दी है, विंडो दी हुई, माई डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। अगर बैक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये एंड्रॉयड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जो भी मतलब कार्ड लगा है या मेमोरी है उसको पूरा सब एक्सेस कर पाएंगे, पूरे फोल्डर आपके यहाँ पे खुल जाते हैं। तो एक ड्राइव बनी हुई है, यहाँ पे सी ड्राइव दी हुई है, ठीक है, फ्लॉपी के लिए दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसमें अपना जो एक्सटर्नल सी ड्राइव होता है वो भी लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में, तो को बताना चाहूँगा ये अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा सेम टू सेम वैसा ही खुल रहा है। अब बात करते हैं इसके सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में, ध्यान दीजिए जब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर अपन माउस से अपन राइट क्लिक कर देते हैं, राइट वाला, और अपन क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी पर। देखिए ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, जनरल डिवाइस मैनेजर, हार्डवेयर परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, हार्डवेयर प्रोफाइल परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। जनरल पर अगर आप आते लिखते लिखा हुआ है सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 है ना, सेकंड एडिशनल है ना, पूरा मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ठीक सकते ना। और अब बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल में ये एसेसरीज दी हुई है पूरी, देख सकते हैं कम्युनिटी एंटरटेनमेंट, तो पूरे के पूरे वही के वही आपको फंक्शन और सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं जो कि 98 विंडो में होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर रहा है शुरू से अपन जानते हैं उसको, इसका नाम है विंडो मीडिया प्लेयर। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपन इस पर क्लिक करा, फाइल पे ओपन पे क्लिक करके जहाँ पे आपकी वीडियो पड़ी हुई है उसको डिवाइस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई वीडियो लेता हूँ, मान लीजिए वीडियो में प्ले करता हूँ, तो देखिए ये वीडियो हम प्ले हो चुकी है। तो मतलब काफ़ी बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलता है। साथ में अगर बात करते हैं इसके प्रिंट की, तो यहाँ पर आते हैं स्टार्ट मेनू में, और यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम में, और यहाँ आते हैं सीरीज में, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रिंट, तो प्रिंट पर क्लिक करके इसको हम बड़ा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपन को लिखना है ANKIT, तो अभी सर काफ़ी बढ़िया पेंटिंग भी आप देखने को मिलती है आपको, मतलब वही का वही पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। साथ में अगर बात करते हैं इसको मिनिमाइज़ अगर आप कर देते हैं, देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पर मिनिमाइज़ हो चुकी है। अगर साथ में कोई दूसरी विंडो खोलना चाहें तो इसको भी खोल कर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए माई कंप्यूटर खोला और यहाँ भी इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा लुक आपको कोई देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वॉल्यूम का बटन दिया हुआ, उसको क्लिक करके इसकी आप साउंड को मतलब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इसको रिस्टार्ट करने की, तो अब देखिए यहाँ एक्स्ट्रा मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया हुआ शट डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ लिखा है रीस्टार्ट। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए मैं रीस्टार्ट करता हूँ, देखिए पूरा का पूरा आपको वही देखने को मिलता है। साथ में बताना चाहूँ दोस्तों कि इसमें आप अपना कीबोर्ड को भी लगा सकते हैं। वो करना क्या होता है, एक OTG केबल लेना होती है ना, एक USB हब लेना होता है, और USB हब में आपको अपना कीबोर्ड और माउस को लगाना होता है। अब बात करेंगे इस विंडो को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपन, तो इंस्टॉल करने के लिए को बताना चाहूँगा पूरी बात पहले समझ लीजिए। रिसाइकिल बिन दिया हुआ है, अगर यहाँ से आप चाहें तो कोई भी डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर बना सकते हैं, इसको ऐसा करना चाहें, यहाँ रखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, मतलब पूरा का पूरा आपको एक्सपीरियंस जो है ना 98 विंडो का मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि भैया अपन यहाँ पर न्यू फोल्डर कैसे बनाएं, तो क्योंकि माउस से आप राइट क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेस्ट वगैरह ऑप्शन दिए हुए हैं, या प्रॉपर्टी का दिया हुआ प्रॉपर्टी क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरे ऑप्शन आ जाते हैं, बैकग्राउंड का, स्क्रीन सेवर का, एप्लीकेशन का, फेड का, वेब का, सेटिंग का, यहाँ पर अपना स्क्रीन सेवर आप चेंज कर सकते हैं, बॉल बड़ होता है स्क्रीन का बल्ब, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरे जो आपके बाल पेपर है ना, इसलिए अपने 98 विंडो के दिए हुए हैं, देख सकते हैं ये काफ़ी सारे। और यहाँ से अगर आप चाहें तो स्क्रीन सेवर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए चलिए, स्क्रीन सेवर है नहीं है फिलहाल में,
और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बात कर रहे हैं अपन न्यू फोल्डर कैसे बना रखो, डेस्कटॉप पे आके अपने स्क्रीन से माउस से राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है न्यू, तो इस पर क्लिक करके आपको न्यू फोल्डर पे क्लिक करना होगा। अब बात कर रहे हैं इसको अपन नाम कैसे चेंज करेंगे, तो को बताना चाहूँगा अगर आपके मोबाइल में अगर कीबोर्ड और माउस दोनों लगे हुए हैं, या तो आप ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो मैं आपको बता रहा हूँ यूएसबी हब के लाइक ओटीजी केबल लगा के उसमें यूएसबी हब लगाइएगा, यूएसबी हब में आपका कीबोर्ड और माउस लगा के कीबोर्ड और माउस को आप चला सकते हैं। अब बात करेंगे कीबोर्ड माउस अपने पास बात करते हैं, मान लो कि आपके पास कीबोर्ड नहीं है, इसको अपन नाम कैसे चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा करके, एक बार रुक जाइए देखिए। जैसे मान लीजिए इसको मुझे नाम चेंज करना है, राइट क्लिक कर दूँगा और रीनेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं, अंकित लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है और बैक करना होता है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फोल्डर है वो अंकित नाम से बन चुका है, ये पूरा खुल चुका है। अब जैसे मान लीजिए किसी फाइल को आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, तो मान लीजिए कि ये जो फाइल है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर न्यू लिख देते हैं कुछ भी, चलिए लिखता हूँ न्यू फोल्डर, न्यू क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। अब ये टेक्स्ट वाली फाइल को मुझे यहाँ से उठा के इस फोल्डर में डालना है, तो राइट इस पर अपन क्लिक करेंगे, राइट वाला सॉरी लेफ्ट वाला क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे कट का ऑप्शन है, वो कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। आप कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप प्लस माइनस भी जोड़ सकते हैं, दो गुड़ा दो करके भी जोड़ सकते हैं, एक पर जाइए देखिए चार हो चुका है। तो पूरे के पूरे आपको फंड है दोस्तों वो क्यों देखने को मिल जाते हैं 98 विंडो में, ठीक है। अब बात करेंगे इसको इंस्टॉल करने की, तो बताना चाहूँगा ध्यान दीजिए इसको इंस्टॉल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस विंडो के सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको ओनली सिंगल क्लिक करना होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको मोबाइल में एक आइकॉन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो फिर मोबाइल में जो है एंड्रॉइड बंद होकर आपकी विंडो 98 चलने लगेगी दोस्तों। दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा हमने एक और वीडियो बनाई हुई है कि अपने एंड्रॉइड फोन में विंडो 11 को कैसे इंस्टॉल करें, अगर आप वो नहीं देखिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको भी देखिएगा और अपने एंड्रॉइड फोन में विंडो 11 को रन कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको अपन आप शट डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अपन और यहाँ पर शट डाउन क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये आपकी जो विंडो है यहाँ से शट डाउन होना स्टार्ट हो चुकी है, ये शट डाउन हो चुकी है दोस्तों, या कुछ सेकंड में पूरा बंद हो जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।